हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। और उनको करने से पहले हम थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं कि किस किस तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। सबसे पहले हमारे पास आती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जब होती है तो हमारा डिमांड कर्व जो है हॉरिजॉन्टल होता है, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे तो हम डिमांड जो है इन्फिनिटी तक करेंगे, मगर इस प्राइस से थोड़ा सा भी अगर प्राइस राइज हो जाएगा तो हमारी डिमांड जो है वो जीरो हो जाएगी। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। और दूसरा ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इलास्टिसिटी इन्फिनिटी तक होती है। दूसरी हमारी जो है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड आती है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में हमारा डिमांड कर्व जो है वर्टिकल होता है, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आता, प्राइस में चेंज आता। प्राइस में चाहे जितना मर्जी चेंज आए, कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन सेम। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो जीरो होती है। तीसरी तरह की इलास्टिसिटी आती है इक्वल टू वन, जिसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी कहा जाता है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यहाँ पे जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही डिमांड हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में भी सेम अमाउंट से चेंज होगा। मतलब ये प्राइस है और इतनी क्वांटिटी है, अगर प्राइस इतना हमारा कम होके इतना हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड भी सेम प्रोपोर्शन से चेंज होगी। और ये डिमांड कर्व जो है इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहा जाता है। इसमें सेम प्रोपोर्शन में चेंज होता है, प्राइस में जितना चेंज होगा क्वांटिटी डिमांडेड में भी उतना ही चेंज होगा, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन होगी। उसके बाद आती है हाईली इलास्टिक डिमांड। हाईली इलास्टिक डिमांड में हमारे पास जो प्राइस है, प्राइस में तो ज्यादा चेंज हो कम चेंज होता है, बट डिमांड में ज्यादा चेंज होगा। मतलब प्राइस पहले सपोज इतना था तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इतनी थी, अब हमारे पास प्राइस में तो थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए पी से पी वन हुआ, प्राइस थोड़ा सा कम हुआ, बट क्वांटिटी डिमांडेड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसको कहा जाता है हाईली इलास्टिक डिमांड। और यहाँ पे जो हमारे पास डिमांड कर्व होगा वो फ्लैटर डिमांड कर्व होगा, और यहाँ पे ये ऊपर गया डिमांड कर्व फ्लैटर डिमांड कर्व होगा, और यहाँ पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन होगी। उसके बाद लास्ट जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आती है वो लेस इलास्टिक डिमांड आती है। लेस इलास्टिक डिमांड कहा जाता है इसको, या फिर इसको इन इलास्टिक डिमांड भी कहा जाता है। इन इलास्टिक डिमांड में हमारा डिमांड कर्व जो होता है वो स्टीपर होता है। यहाँ पे प्राइस में तो ज्यादा चेंज आता है, मतलब पहले प्राइस पी था तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, अब प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज आएगा बट क्वांटिटी में बिल्कुल हल्का सा चेंज आएगा, और डिमांड कर्व जो है हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टीपर हो जाएगा। देखिए प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, मतलब पी से सीधा पी वन कितना ज्यादा चेंज आ रहा है प्राइस में, मगर क्वांटिटी डिमांडेड में थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है इन इलास्टिक डिमांड या लेस इलास्टिक डिमांड। और इसमें डिमांड कर्व जो है वो स्टीपर होता है, मतलब फ्लैटर में हमारा डिमांड कर्व ऐसा होगा और स्टीपर में डिमांड कर्व हमारा ऐसा होगा। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है किस तरह की होगी, लेस देन वन होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है। इफ अ कमोडिटी हैज लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, एक कमोडिटी है उसके अगर बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट है तो उसका डिमांड कर्व कैसा होगा, क्योंकि बहुत सारे सब्स्टिट्यूट है, इसका मतलब उसको उसकी जो डिमांड होगी वो हाईली इलास्टिक होगी, और हाईली इलास्टिक में डिमांड कर्व कैसा होता है, फ्लैटर होता है। तो फ्लैटर यहाँ पे दो कर्व दे रखे हैं, एक पी है और एक क्यू है। जो क्यू कर्व है वो स्टीपर है और जो पी कर्व है वो फ्लैटर है। ये देखिए ये जैसे ये पी कर्व जो है वो फ्लैटर है और क्यू कर्व क्या है, स्टीपर है, तो कौन से में हाईली इलास्टिक होगी, पी वाले में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -3, इट इज नोन एज, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन तो हम कंसीडर नहीं करते हैं, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर देखा जाए तो 3 ही है, क्योंकि माइनस का साइन सिर्फ नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है। तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ग्रेटर देन 1 कहाँ होती है, हाईली इलास्टिक डिमांड में, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सी हाईली इलास्टिक डिमांड या इलास्टिक डिमांड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विल नॉट बी हायर, कब हायर नहीं होगी, मतलब इलास्टिसिटी जो है ग्रेटर देन वन नहीं होगी, इन इलास्टिक होगी। प्रोडक्ट विल नॉट बी हायर का मतलब इन इलास्टिक कब होगी, इन इलास्टिक होती है नेसेसिटीज के केस में, तो नेसेसिटी बाय इट्स बायर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बी देख लेते हैं, व्हेन लेस सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट आर अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट तो है, तो सब्स्टिट्यूट होने से इलास्टिक तो होगी, तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। सेवरल यूजेज जहां पे होते हैं वहां पे भी हमारे नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि सेवरल यूजेज में हमारी इलास्टिक हो जाती है, और वह जब एक्सपेंसिव होती है तो वहां पे भी इलास्टिक हो जाती है, तो इन इलास्टिक कहाँ पे होगी, व्हेन इट इज कंसीडर्ड अ नेसेसिटी बाय इट्स बायर, नेसेसिटीज के केस में इन इलास्टिक डिमांड होती है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ए स्टेटमेंट जिसमें लिखा हुआ है हायर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इंडिकेट लार्जर इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, हायर वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी मतलब जितनी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी वो क्या शो कर रही है कि प्राइस का ज्यादा इफेक्ट है क्वांटिटी डिमांडेड पे, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन वेरी ओनली बिटवीन माइनस वन प्लस वन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि माइनस वन और प्लस वन के बीच में लाइन नहीं करती है, ग्रेटर देन वन भी होती है इलास्टिसिटी, लेस देन वन भी होती है, इन्फिनिटी भी होती है, और जीरो भी होती है, इक्वल टू वन भी होती है, तो यहाँ पे हमारी कुछ भी हो सकती है, माइनस वन एंड प्लस वन के बीच में लाइन नहीं करती है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है, द डिमांड कर्व ऑफ ऑल कमोडिटीज विच हैव यूनिटरी इलास्टिक डिमांड विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये हमने अभी किया था कि जिन जहां पे डिमांड जो डिमांड प्राइस के साथ सेम प्रोपोर्शन में चेंज होती है वहां पे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एस्टैब्लिश अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस व्हाइल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, माइनस वन एंड प्लस वन के बीच में, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट डैश इलास्टिक डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, तो ये जो डायग्राम है इसमें हमारा डिमांड कर्व जो है फ्लैटर है, और स्टीपर अगर होता तो वो कैसा होता, ऐसे करके होता डिमांड कर्व, तो यहाँ पे फ्लैटर होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इलास्टिक डिमांड है, हाईली इलास्टिक डिमांड है, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, हाईली इलास्टिक डिमांड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेस्ट डिफाइंड एज, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट प्लेसेस, ये नहीं होगी स्टेटमेंट, करेक्ट इनकरेक्ट है ये भी। दूसरा है चेंज इन डिमांड व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, क्योंकि इनकम के साथ नहीं देख रहे हैं हम, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का देख रहे हैं। सी है द रेट ऑफ रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस, फोर्थ है द रेट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में तो क्रॉस डिमांड आती है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा हो जाएगा, रेट ऑफ रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन प्राइस, क्योंकि प्राइस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में जितना चेंज आता है उसी को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से फैक्टर्स इफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं, नेचर ऑफ कमोडिटी होता है, इनकम लेवल भी होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, तो ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 5% फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स लीड टू 10% राइज इन इट्स डिमांड, इन केस ऑफ गुड बाय अ 2% rise in price leads to 6% fall on its demand. In the given case, dash is more elastic. X ज़्यादा होगी elastic या फिर Y, या फिर दोनों equal होंगी या फिर दोनों ही inelastic होंगी, तो हमें पता है formula इसका क्या होता है, percentage change in quantity demanded upon percentage change in price. इससे हमारी जो इलास्टिसिटी निकल जाएगी, तो x के केस में क्या रहेगी इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन x क्या होगा क्वांटिटी में,
प्राइस में 5% फॉल इन प्राइस, मतलब 5% फॉल होने से परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो रहा है 5, और क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है 10% से, और वाई के केस में कितना हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड में 6% और हमारा जो प्राइस में है वो 2%, तो यहाँ पे आ जाएगा 3% और यहाँ पे कितना आ रहा है 2%, तो किस में ज्यादा है ग्रेटर देन, जो ज्यादा है वो 3% जो है हाईली इलास्टिक मानी जाएगी देन 2%, तो गुड वाई जो है वो ज्यादा इलास्टिक होगी, मोर इलास्टिक वाई, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिमांड फॉर अ गुड इज मेड बाय रिच कंज्यूमर इट्स डिमांड इज जनरली, तो क्या होगी अगर रिच कंज्यूमर अगर किसी चीज की डिमांड करेगा तो उसके लिए हाईली इलास्टिक तो हो नहीं सकती, उसके लिए लेस इलास्टिक ही होगी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास कौन सा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव इलास्टिक डिमांड, मैच बॉक्स, कोक, मेडिसिन, एयर कंडीशनर, तो किसमें होगी इलास्टिक डिमांड जो है वो कोक में होगी क्योंकि यहाँ पे सब्सटीट्यूट ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इंक्रीज इन प्राइस ऑफ राइस बाय 22% इट्स डिमांड फॉल्स बाय 25%, दिस इंडिकेट्स दैट डिमांड फॉर राइस कैसी होगी, इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या फिर परफेक्टली इलास्टिक, तो इसके लिए फॉर्मूला हमें पता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो रहा है हमारे पास, डिमांड जो है 25% से फॉल हो रही है और क्वांटिटी डिमांड जो प्राइस है वो कितने से चेंज हो रहा है 22% से, तो यहाँ पे 1. समथिंग आएगा काट के, तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब इलास्टिक, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन कमोडिटी टू रिड्यूस इट्स कंजम्पशन बाय द पब्लिक, सच हैवी टैक्सेस विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ द कमोडिटी ओनली व्हेन, कब होगा, गवर्नमेंट ने क्या किया ज्यादा से ज्यादा टैक्सेस लगा दिए कि कमोडिटी जो है उसकी कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हो जाए, सच हैवी टैक्सेस विल डिक्रीज द डिमांड, और ये लगाने से डिमांड भी डिक्रीज हुई, मतलब प्राइस इंक्रीज करने से, टैक्स इंक्रीज करने से प्राइस इंक्रीज हो गया, और प्राइस इंक्रीज होने से क्योंकि डिमांड कम होगी तो डिमांड प्राइस ज्यादा करने से अगर डिमांड कम होती है तो वो हाईली इलास्टिक होती है, हाईली इलास्टिक में क्या होता है ग्रेटर देन वन, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी इज गिवन एज dx इज इक्वल टू 20 - 2p, स्लोप दे रखा है हमें -2 और कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें फाइंड आउट करनी है जब प्राइस हमारे पास गिवन है 5। अब हम सबसे पहले इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, dx इज इक्वल टू 20 - 2p दे रखा है हमें और यहाँ पे p प्राइस दे रखा है 5, तो हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसको, 2 × 5 प्राइस दे रखा है तो हमारे पास 20 - 10 इज इक्वल टू dx जो है हमारे पास, इसको या तो फिर क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी 10। अब हमारे पास जो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, या तो चेंज इन q अपॉन चेंज इन p × p/q एक फॉर्मूला तो ये होता है, या फिर दूसरा 1/slope × p/q। अब 1/slope हमारे पास स्लोप दे रखा है -2, तो ये हो जाएगा 1/-2 × प्राइस गिवन है हमें 5 और क्वांटिटी डिमांडेड हमने फाइंड आउट कर ली 10 की, तो हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपॉन -20, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.25 जो है -0.25 आ जाएगा हमारे पास -0.25, तो यहाँ पे देखते हैं -0.25 कौन से ऑप्शन में है, ए में है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिमांड कर्व फॉर द कमोडिटी इज गिवन, हमारे पास डिमांड कर्व गिवन है 40 - 5p, स्लोप गिवन है हमारे पास -2 और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ही गिवन है 20, मतलब हमारे पास क्यू गिवन है 20 और यहाँ पे स्लोप गिवन है हमें -2 और यहाँ पे dx जो है वो है 40 - 5p। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो dx हमें गिवन है, dx हमारे पास कितना गिवन है वो हम लिख लेते हैं पहले ही, dx है हमारे पास 20 इज इक्वल टू 40 - 5p,
तो इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ पे 40 माइनस 20, और ये 5p रह जाएगा। 20 इज इक्वल टू 5p, और हमारे पास p जो है सॉल्व करके आ जाएगा 20 अपॉन 5, तो ये आ जाएगा 4। अब हमारे पास जो फॉर्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, 1 डिवाइडेड बाय स्लोप इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, 1 अपॉन स्लोप, स्लोप हमारे पास गिवन है -2 इनटू प्राइस हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि हमारे पास आया 4, तो यहाँ पे 4, और क्वांटिटी गिवन है हमारे पास 20, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा 4 अपॉन -40। जब करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा ये आंसर -0.10। -0.10 जो है ऑप्शन ए में गिवन है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टू गुड्स ए एंड बी इज -3 एंड -4 रिस्पेक्टिवली, विच गुड हैज मोर इलास्टिसिटी। गुड ए की है, गुड बी की है, बोथ गुड हैव सेम इलास्टिसिटी या नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास जो माइनस का सिंबल होता है ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव रिलेशनशिप को बताने के लिए होता है, अदरवाइज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 एंड 4 ही मानी जाएगी। तो किसमें ज्यादा है इलास्टिसिटी, 4 ज्यादा बड़ा वैल्यू है, तो इसलिए गुड बी जो है वो ज्यादा इलास्टिक होगी, हाईली इलास्टिक होगी, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।